देश के सबसे स्वच्छ शहर को अब एक और नई सौगात मिलने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिससे अब सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के क्षेत्र में भी इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड मिलेगा। इंदौर शहर के खाते में फिर एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। इंदौर ने सिविल टूरिज्म मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शहर होने का खिताब हासिल किया है। इंदौर को यह अवार्ड पर्यटन स्थल की समग्र स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रथाओं, रीयूज, रिसाइकल, स्थानीय समुदायों का समन्वय, उद्यमिता को प्रोत्साहन, पर्यावरण के रखरखाव और सुरक्षा जैसे मापदंडों पर खरा उतरने के लिए दिया गया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय शहर की जनता को दिया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि 27 सितंबर को दिल्ली में एक गरिमामय आयोजन के जरिए इंदौर को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंदौर को नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ये टूरिज्म अवार्ड इसलिए दिया गया, ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है और ये अवार्ड देने का जो कैटेगरी है अपनी, वो हम लोग ऐसी अर्बन लोकल बॉडी हैं जो अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का भली प्रकार से रखरखाव करते हैं, साथ ही पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ के टूरिज्म को आकर्षित करती है, यहाँ के लोगों को आकर्षित करती है। तो इन सभी विधाओं में हम लोगों को ये टूरिज्म का अवार्ड मिला है। इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो 27 तारीख को दिल्ली में है, तो माननीय महापौर जी और टीम इस अवार्ड को ग्रहण करेगी। तो इस तरीके की ये एक और अवार्ड की श्रृंखला में एक अवार्ड इंदौर के खाते में जुड़ा है। इसका जो क्राइटेरिया था कि किसी भी शहर का रखरखाव किस प्रकार का है, यहाँ की सड़कें, साइनेजेस, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक टॉयलेट्स किस प्रकार के हैं जो आने वाले लोगों को अपील करते हैं, आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए हैं। अगर यहाँ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो लालबाग पैलेस हो, खजराना मंदिर हो, अगर यहाँ आता है तो उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें पीने का पानी, टॉयलेट्स, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों का रखरखाव, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर ये पाया गया कि इंदौर की व्यवस्था किसी भी अन्य, पूरे देश भर में किसी भी अन्य लोकल अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा अच्छी है। तो इस आधार पर अपने को ये पुरस्कार मिला है।